भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजकुमार सिंह धनौरा पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने पर पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने इसको लेकर राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत पर कई आरोप लगाए। धनौरा मंत्री भूपेंद्र सिंह के रिश्तेदार हैं। पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद राजकुमार सिंह मीडिया के सामने आए, अपना दर्द सुनाया। वे अपनी बात सुनाते हुए रो पड़े। उन्होंने मंत्री गोविंद राजपूत व उनके परिजन से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चंद रोज पहले आए कांग्रेस के नेताओं के कारण पार्टी ने 30 साल पुराने कार्यकर्ता को बाहर का रास्ता दिखाया है। मैं कहीं भी गलत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मंत्री गोविंद सिंह के भाजपा में आने पर सुर्खी क्षेत्र में अंदर ही अंदर पुराने और मूल भाजपाई व कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में पुरानी भाजपा और नई भाजपा के बीच टकराव नजर आने लगा है। उन्होंने मंत्री गोविंद राजपूत पर भ्रष्टाचार से लेकर संगठन तक पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि राजकुमार सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के रिश्तेदार हैं। वे स्थानीय प्रत्याशी को सुर्खी क्षेत्र के विधायक पद का प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने इसे बगावत मानते हुए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। पूरी मेहनत की, आज तक कोई कदर 1 रुपए का कलंक पार्टी ने 30 साल की हमारी मेहनत 1 मिनट में हमें कीड़े मकोड़े की तरह फेंक दिया। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।